इनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं, हमारी टीम लगातार रेड कर रही है। एक ही मोटिव है कि हम सिर्फ इलीगल एलिमेंट के खिलाफ हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी नाजायज कार्रवाई या बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होगी। डीएसपी हत्या मामले में अवैध खनन माफियाओं के तार राजस्थान तक जुड़े हुए हैं। दरअसल डीएसपी की अवैध खनन माफियाओं से उस समय डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अरावली की पहाड़ी के गांव पचगांव के समीप अरावली की पहाड़ी में अवैध खनन होने की सूचना पाकर अवैध खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए वहां पर छापेमारी करने के लिए गए थे। जिस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मेवात क्षेत्र के संपूर्ण अवैध खनन की जाँच के आदेश दिए थे। जिस मामले की जांच करने के लिए वन विभाग की टीम, माइनिंग विभाग की टीम व हरियाणा पुलिस के 500 जवान लगातार जांच में जुटे हुए हैं। अभी तक की जांच में पुलिस ने डीएसपी की हत्या मामले में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कई अहम चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जो डीएसपी सुरेंद्र जी की जो हादसे में जो FIR हुई थी 309 नंबर, उसके अंदर अभी तक कुल 6 आरोपी हम गिरफ्तार कर चुके हैं। पहले 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुके थे, उसके बाद हमने जाबिद उर्फ बिल्ला पुत्र मगरू निवासी गांव गंडवा, इसको हमने गिरफ्तार किया 22 जुलाई को और इसको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया और 2 दिन का रिमांड लिया गया। इसके अलावा भूरू उर्फ तौफीक पुत्र कल्लू उर्फ फजरू, इसको भी 22 जुलाई को रात को गिरफ्तार किया गया और जिसका भी न्यायालय में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया गया है। और आज 23 जुलाई को हमने लंबू उर्फ यूसुफ पुत्र बुद्दूच निवासी गाँव गंडवा को दोपहर करीब 3:30 बजे गिरफ्तार किया है। और असरू उर्फ असरुद्दीन पुत्र अब्दुल निवासी गांव पंचगावा, इसको हमने आज करीब 5:30 बजे गिरफ्तार किया। इनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं, हमारी टीम लगातार रेड कर रही है और जो भी इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो फैक्ट सामने आए थे उसके आधार पर ये गिरफ्तारियां की जा रही है। सर्च अभियान के तहत हम लोगों ने टेक्निकल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन खुद की थी, जो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उनके खिलाफ हमने एक कार्रवाई की है, जिसमें अवैध माइनिंग एवं अन्य अवैध कार्यों में लगे संलिप्त लोगों के खिलाफ हमने ये अभियान जारी किया था। आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद नूह पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान जिले के करीब 3 दर्जनों गांवों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 236 चालान किए गए। इसके अलावा माइनिंग एक्ट के तहत 60 वाहन जब्त किए गए और इसके अतिरिक्त 102 वाहनों पर CRPC के तहत कार्यवाही की गई है, तो 27 वाहन जब्त किए गए हैं। इन वाहनों में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, लग्जरी गाड़ी, डंपर, कंप्रेसर, हाइवा, JCB, मशीन आदि वाहन शामिल है। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 3 मुकदमे अलग अलग पुलिस थानों में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज करके एक भगोड़ा आरोपी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई गई है। कुल 24 गांवों में हमने क्रिमिनल्स के खिलाफ रेड की है और उसकी कुल हमारी अचीवमेंट जो है अभी तक की करीब हमें 236 व्हीकल ऐसे मिले हैं जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स एंड अन्य उनमें जो कमियां पाई जाने पर जिनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इम्पाउंड किया गया है। इसमें बहुत सारे 2-व्हीलर्स एंड 4-व्हीलर्स भी हैं। 60 जो हमारे व्हीकल्स हैं वो माइनिंग से संबंधित, अवैध माइनिंग से संबंधित पाए जाने पर माइनिंग विभाग के द्वारा उनको सीज किया गया है। इसके अलावा 27 व्हीकल्स ऐसे मिले हैं जो चोरीशुदा हमारे को पाए जाने पर 102 CRPC के तहत कब्जा पुलिस में लिए गए हैं, जिनके खिलाफ अलग से कार्रवाई भी की जाएगी मुकदमा दर्ज करके। और अभी तक 3 मुकदमे इसमें दर्ज हो चुके हैं, जिसमें एक 160 IPC का है और उसके अलावा एक गोकशी संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ है और एक चोरी की बाइक से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुल 326 व्हीकल्स इस प्रकार से अभी तक की रेड्स में बरामद हुए। सर्च अभियान एक लॉन्ग टर्म चेंज के प्रति है, ये कोई शॉर्ट टर्म एजेंडा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चेंज ऑपरेशन क्लीन के तहत हम कर रहे हैं और इसमें जैसे जैसे हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और हमारे जो रिजल्ट्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने किन किन गांवों में और करने की इसकी ज़रूरत है। इसके अंदर अराउंड 1500 के करीब हमारे जवान जो हैं फुल लगे हुए हैं इसके अंदर विभिन्न कार्यों में। ये रिपोर्ट्स जैसे जैसे आ रही हैं हम भी उनको एनालाइज कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी व्यक्ति बयान दे रहा है तो उसके खिलाफ भी बिल्कुल लीगल कार्रवाई की जाएगी
और इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा, जो जो लोग सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। प्रथम दृष्टया जो उन्होंने जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं उसके बारे में कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हम व्यक्ति विशेष जिसने ये आरोप लगाए हैं उसको जरूर उसको शामिल जांच करके और प्रॉपरली इंटरोगेट करके ये पता करेंगे उसके साथ कौन कौन लोग सम्मिलित थे और उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी विधायक भी हमारे साथ मीटिंग हुई थी एंड सभी ऑफिसर्स को भी हमने ये मीटिंग ली थी और हम इसमें हमारा एक ही मोटिव है कि हम सिर्फ इलीगल एलिमेंट्स के खिलाफ हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी नाजायज कार्रवाई या बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह एक विवाद को बदलने के लिए ये कार्रवाई चलाई जा रही है ताकि कुछ चुनिंदा जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनकी धरपकड़ की जाए, किसी आम जनमानस को जो अपना काम लीगल तरीके से कर रहा है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और इसमें हरियाणा पुलिस को पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि पुलिस ने डीएसपी हत्या मामले में अपने गुप्त सूत्रों की मदद से अभी तक डंपर के क्लीनर इक्कर निवासी पचगांव को पुलिस मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। वहीं शब्बीर उर्फ मित्तर निवासी पचगांव को राजस्थान के जिला भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के गाँव से काबू किया था। तो वहीं पुलिस ने जाबित उर्फ बिल्ला निवासी गंडवा राजस्थान, भूरू उर्फ तौफीक निवासी पचगांव, लंबू उर्फ इशुक निवासी गंडवा राजस्थान व असरू उर्फ असरुद्दीन निवासी पचगांव को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे आरोपी एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों द्वारा किए जा रहे खुलासों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। अगर पुलिस की माने तो डीएसपी हत्या मामले में कई आरोपी अभी पुलिस की रडार पर, जो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस मामले में संलिप्त बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान नुह मेवाल। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।